गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल आर? फाइन? कैसा लग रहा है हिस्ट्री पढ़ने में बेटा? सबको अच्छा लग रहा है? देखो, हमने पिछली बार जो है वो टाउनशिप के बारे में पढ़ा था कि जो पुराने ज़माने के लोग थे वो किस तरीके से अपने आप कैसे घर बना के रहते थे, क्या काम करते थे, मतलब अर्ली वुमन थे तो वो अर्ली मैंस थे तो उन वो अपना काम किस तरीके से करते थे, उन सब के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी में कंटिन्यूटी में आगे पढ़ने वाले हैं, सोशल लाइफ ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब होता है कि वो किस तरह के घर बना के रहते थे और किस तरह की वो खेती बाड़ी करते थे, ठीक है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली वर एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक रेयरिंग। जो मेन जो उनका ऑक्यूपेशन मतलब जो मेन काम था उनका वो क्या था कि वो जो इंडस वैली में रहते थे या तो वो एग्रीकल्चर का जो है काम करते थे यानी फार्मिंग का काम करते थे, और नहीं तो जो है वो लाइव स्टॉक्स यानी कि मतलब उस पर जो है जमीन में भूमिगत घर बना कर के फिर रहते थे। पीपल ऑफ दिस टाइम यूज़ टू हैव वीट, बार्ले, मिलेट, पीज, सेसमे, डेट, पाम एक्सेट्रा। पीपल जो है इस समय तक जो है इन सब जैसे वीट है, बार्ले है यानी गेहूँ, मक्का, चना, ज्वार, इन सब के आदि हो चुके थे। इन देयर डाइट, उनकी ये डाइट में ये सब शामिल था। ड्यू टू पास्टोरलिज्म यानी कैटल रेयरिंग, कैटल रेयरिंग का मतलब कि पास्टोरलिज्म का मतलब कि वो मवेशी पालते थे यानी ये पशु पालते थे। देयर डाइट कंसिस्ट ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑल्सो। अब उनकी डाइट में उनके खाने में क्या शामिल था, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें भी शामिल थी। ए फिशिंग हुक हैज़ बीन फाउंड इन द रिमेनेंट्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन। एक फिशिंग हुक, फिशिंग हुक का मतलब होता है जिससे मछली पकड़ी जाती है, वो भी जो है इनके सिविलाइजेशन में मिला है। सो देयर फूड मस्ट हैव इंक्लूडेड फिश ऑल्सो। सो ये कह सकते हैं कि उनके खाने में जो है मछली भी हुआ करती थी। वी गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अटायर ऑफ द पीपल ऑफ दैट टाइम ऑन द बेसिस ऑफ स्कल्पचर फाउंड फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमें बहुत सारी जानकारी जो है वो इंडस वैली में यानी घाटियों के बीच में वो किस तरीके से घर बना के रहते थे, किस तरीके से उनका एग्रीकल्चर हुआ करता था, इससे हमें जानकारी मिली है। मैन एंड वुमेन हियर वोर टू क्लोथ्स। आदमी और औरत यहाँ पर दो कपड़े पहनते थे। दे वोर क्लोथ सिमिलर टू धोती ऑन देयर वेस्ट एंड इन द अपर पार्ट देयर रैप्ड अ शॉर्ट क्लोथ विच केम डाउन फ्रॉम द शोल्डर। एक तो देखो दोनों आदमी औरत जो है वो एक चीज़ तो कॉमन पहनते थे, क्या, धोती, जो कमर से उनके रैप होती थी। और जो लेडीज़ थी वो क्या पहनती थी कि ना मतलब वो एक ऊपर जो कपड़ा पहन रैप करते थे, जो लपेटते थे वो उनके शोल्डर तक ढका होता था। दे मेनली यूज्ड कॉटन क्लोथ्स, और वो लोग जो है मेनली कौन से कपड़े यूज़ करते थे, कॉटन के। दे वर ऑल्सो फेमिलियर विद वुलन क्लोथ्स, वो लोग जो है ऊनी कपड़ों से कपड़े भी इस्तेमाल करते थे। एज द नीडल मेड ऑफ मेटल एंड आइवरी हैव बीन फाउंड, वी कैन एज्यूम दैट दे वोर स्टिच क्लोथ्स। अब देखो वहाँ पर है ना एक मशीन भी मिली है और वो सुइयाँ भी मिली है, तो मतलब हम ये एज्यूम कर सकते हैं यानी ये मान सकते हैं कि वो लोग जो है वो सिले हुए कपड़े पहनते थे। Although most of the people wore unstitched clothes, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे जो लोग हैं वो बिना सिलाई किए हुए कपड़े पहनते थे। People of this time wore ornaments like necklace, ring in finger, hand bracelet were worn by women as well as men. इस समय के जो लोग थे वो जो है गहने भी पहनते थे जैसे कि नेकलेस है, हार है यानी, फिर उंगली में रिंग है, अंगूठी पहनते थे, हाथ में ब्रासलेट यानी कंगन पहनते थे, ठीक है। और वो ये जो गहने हैं वो आदमी औरत दोनों पहनते थे। वुमन वोर ज्वेलरी लाइक बैंगल्स, ईयर रिंग्स, वेस्ट बेल्ट, एंकलेट्स एक्सेट्रा। अब जो औरतें थी वो मेनली क्या पहनती थी, ज्वेलरी में बैंगल्स यानी कि कंगन, ईयर रिंग्स कानों की रिंग्स, फिर वेस्ट बेल्ट यानी कमरबंद और एंकलेट्स यानी पायल भी पहनती थी। दीज ऑर्नामेंट्स वर मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन्स। और ये जो गहने थे ना वो गोल्ड के, सिल्वर के और स्टोन्स के बने होते थे।
पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मेड यूटेंसिल्स ऑफ अर्दनवेयर कॉपर ब्रॉन्ज एक्सेट्रा। अब सिविलाइजेशन में ये भी मिला है कि वो जो लोग थे वो लोग बर्तन भी बनाते थे जैसे कि कॉपर के ब्रॉन्ज के, है ना। दीज इंक्लूडेड यूटेंसिल्स लाइक मग बाउल अर्दन मग मेटेलिक पॉट सॉसर कैसरॉल एक्सेट्रा। ये समझ गए ना। पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मेड स्पेशल टाइप ऑफ टॉयज फॉर देयर चिल्ड्रन। अब वो लोग है ना अपने बच्चों के लिए खिलौने भी बनाते थे विच इंक्लूडेड बर्ड शेप्ड विसल्स रेटलर्स कैरियजेस कार्ट मार्बल्स टॉयज इन द शेप ऑफ बर्ड्स एनिमल्स एंड मैन एंड वुमन। अब ये सब चीज़ें वो जो है अपने बच्चों के लिए खिलौने के तौर पे बनाते थे। इन अ वे क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्ट्री ऑफ दिस पीपल इज एक्सप्रेस्ड इन दिस टॉयज। अब इन्हीं खिलौनों में उनकी क्रिएटिविटी और उनकी कलाकारी पता पड़ती है। टॉयज लाइक हेड शेकिंग एनिमल्स एंड मंकी क्लाइंबिंग ट्री वर सीन हियर। अब इनके खिलौनों में ऐसे भी मिला है कि कुछ जानवर जो है वो अपना सिर हिला रहे हैं, मंकी जो है वो पेड़ पर चढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब बात कर रहे हैं इनके रिलीजियस लाइफ और फ्यूनरल की। रिलीजियस लाइफ मतलब धार्मिक और फ्यूनरल मतलब कि डेथ होने के बाद वो कैसे करते थे। ध्यान से देखना। वी गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रिलीजियस लाइफ ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन फ्रॉम द आइडियल्स एंड पॉस्चर्स अमंग द आइडल्स एग्जर्टेड द आइडल ऑफ माटरका देवी हैव बीन फाउंड। हिस्टोरियन कंसिडर इट द सिंबल ऑफ मदर अर्थ। अब ये मातृका देवी जो मिले थे वो जो है कैसे सिंबल था उनका मदर अर्थ का। इट मीन्स हरप्पन ऑफ सिविलाइजेशन मस्ट हैव बीन वर्शिपिंग मदर अर्थ स्पेशली एज इट गिव्स ग्रेन्स एंड वाटर। बिसाइड्स दिस दे माइट हैव बीन वर्शिपिंग ट्रीज एनिमल्स नाग देवता स्वास्तिक एक्सेट्रा। रिमेन्स ऑफ वर्शिपिंग फायर हैव बीन फाउंड फ्रॉम लोथल एंड कालीबंगा। पीपल ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन माइट हैव बीन बर्निंग डेड पीपल। हरप्पन सिविलाइजेशन में क्या होता था जिन लोगों की डेथ हो जाती थी उनको जला दिया जाता था। ऑल्सो एविडेंस ऑफ अग्नि संस्कार हैव बीन फाउंड एट मैनी प्लेसेस। अब ना इस बात के भी कई सबूत मिले हैं कि वहाँ पर जो है अग्नि संस्कार भी हुआ करते थे। द बुरिड डेड पर्सन एंड ऑल्सो केप्ट सम ऑफ थिंग्स विद अ डेड बॉडी। डेड बॉडी को कई जगह पे जो है रखा भी गया है और दफनाया भी गया है। इट टेल अस अबाउट देयर इमेजिनेशन दैट देयर इज़ लाइफ आफ्टर दैट। अब ये इमेजिनेशन को बताते हैं कि भाई मरने के बाद में भी जीवन है। कॉइन अब आ रहा है स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज। स्क्रिप्ट मतलब जो उनकी लिखा पटी मिली है वो, और लैंग्वेज मतलब भाषाएं। कॉइन्स सील्स कॉपर प्लेट्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम रिमेन्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन ओवर विच सम टेक्स्ट इज ट्रांसक्राइब्ड विच इज रिटन इन सम अनरिसॉल्व्ड मिस्टीरियस लैंग्वेज। अब इस तरह के कॉइन्स मिले हैं, सिल्वर प्लेट्स मिली है जिन पर ऐसी भाषाएं लिखी हुई है जो बहुत मिस्टीरियस है, यानी उनको पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। ऑल्दो दीज राइटिंग आर शॉर्ट वर्ड्स विद मात्रास एंड जॉइंट वर्ड आर फाउंड। ये जो राइटिंग लिखी हुई है ये बहुत छोटे शब्दों में लिखी हुई है और मात्राओं के साथ है, और कहीं कहीं पे दो अक्षर भी साथ में मिले हुए हैं। लॉट ऑफ अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू डिसअपीयर दिस स्क्रिप्ट बट इट हैज़ नॉट बीन सक्सेसफुल येट। ऐसे बहुत सारे जो है वो मिले हैं स्क्रिप्ट्स इनकी, लेकिन ये इनकी पहचान होने में डिसेफर्स का मतलब कि इनकी पहचान होने में बहुत अनसक्सेसफुल रहे, मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाए। प्लेसेस ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन इन गुजरात। अब गुजरात में जो है हरप्पन सिविलाइजेशन कहाँ कहाँ पे मिला है वो देख लीजिए। स्मॉल एंड बिग कॉलोनीज ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड इन गुजरात लाइक रंगपुर एंड लोथल इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट, रोजड़ी श्रीनाथगढ़ इन राजकोट डिस्ट्रिक्ट, डेसलपुर इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट, ढोलावीरा सुक्रोकड़ा लखा बावल इन जामनगर डिस्ट्रिक्ट, अमरा भक्तालाव ऑन द बैंक ऑफ किम रिवर इन भरूच डिस्ट्रिक्ट, एंड ऑफ
हरप्पन सिविलाइजेशन. द हिस्टोरियंस बिलीव दैट हरप्पन सिविलाइजेशन मे हैव एंडेड बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक फ्लड एपिडेमिक ऑफ और एक्सटर्नल इन्वेंशन. हाउएवर फॉर टुडेज हिस्टोरियंस द एंड ऑफ इट हैज़ बीन द सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च. ओके नाउ आवर एंशियंट टेक्सेस ऋग्वेदा एंड इट्स स्टडी. फोर वेदास आर देयर ऋग्वेदा यजुर्वेदा सामवेदा एंड अथर्ववेदा. ऋग्वेदा इज आवर ओल्डेस्ट टेक्स. सबसे पुराना जो ग्रंथ माना जाता है, सबसे पुराना जो वेद माना जाता है वो क्या कौन सा माना जाता है? ऋग्वेद माना जाता है. यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, अगर आपसे पूछे कि वेद कितने प्रकार के होते हैं तो चार प्रकार के वेद होते हैं, ऋग्वेदा यजुर्वेदा सामवेदा एंड अथर्ववेदा, जिसमें से भी सबसे पुराना कौन सा? ऋग्वेदा. इट इंक्लूड्स 1028 हाइमंस. अब इसमें जो है कितने हाइमंस है यानी कितने श्लोक हैं? दो है. जो सुक्ति लिखी हुई है वो लिखी हुई है 1028, विच आर कॉल्ड सुक्ताज. इनको क्या बोलते हैं? सुक्ति या दोहे. ऋग्वेदास इज अ रिपोजिट्री ऑफ एंशियंट नॉलेज. इट इज रिटन इन ओल्ड संस्कृत और वैदिक संस्कृत लैंग्वेज. विद द हेल्प ऑफ ऋग्वेदा वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ आर्यंस. हिस्टोरियंस आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी वेदास अलॉन्ग विद रिलाइज टू नो अबाउट हिस्ट्री. अब इन सारे वेदास में क्या पता पड़ता है कि संस्कृत और संस्कृत की लैंग्वेज जो है वो इसमें लिखी भी गई है और पढ़ी भी गई है. साथ साथ में इसमें क्या होता है आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में, यानी कैसे हमारी सोसाइटी बनी, कैसे उसमें धर्म स्थापित किए गए, वो सब चीज़ें इसमें मिलती है. सम ऑफ हाइमंस ऑफ ऋग्वेदा आर इन डायलॉग फॉर्म. देयर आर रेफरेंसेज of life of common man in Rigveda. ठीक है. अब इसमें आर्मी चीफ के बारे में पढ़ा गया है कि इसमें जो है आप देखो कि देयर आर रेफरेंसेज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन लाइक गना सभा एंड समिति. अब इसमें भी जो है वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे पुराने समय में भी, ठीक है, और वहाँ पे भी एक गवर्नमेंट हुआ करती थी, आर्मी चीफ हुआ करते थे. अब उसके बाद देखो मेंशन ऑफ वर्शिप of nature is found in Rigveda, worshipping of Indra, Varun, Agni, Surya, etc. is mentioned in Rigveda. There is mention of Usha as the goddess of morning. Usha को किस तरीके से लेते थे? वो सुबह की जो है देवी हुआ करती थी and Aditi as the goddess of evening. अब Aditi जो देवी मानी गई है वो सूर्यास्त की मानी गई है. Cow, horses and bull have been discussed at many places in Rigveda. Rigveda में गायों घोड़ों और बैलों के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई है. As compared to other animals, horse have been mentioned more times. दूसरे animals के मुकाबले में घोड़ों को बहुत ज़्यादा इसमें देखा गया है, बहुत ज़्यादा mention हुए हैं. Which indicates importance of pastoralism in their lives. ये चीज़ दिखाते हैं कि भाई जब वो कैटल पालते थे ना, मवेशी पालते थे, उसमें घोड़ों को सबसे ज़्यादा पाला जाता था. इट वॉज कॉमन अमंग द ट्राइबल्स टू फाइट फॉर एनिमल्स. और ये कॉमन ट्राइबल्स होते थे जो कि एनिमल्स से लड़ाई करने में या जो जंगली जानवर होते थे उनसे बचाने में हेल्पफुल होते थे. प्रॉपर्टी वॉज मेनली डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कैटल. अब जो प्रॉपर्टी बनती थी वो कैसे बनती थी? जिनके पास जितने ज़्यादा मवेशी होंगे वो उतने ही अमीर होंगे. एनिमल हस्बेंड्री वॉज डन कलेक्टिवली एंड एग्रीकल्चर वॉज सेकेंडरी इन द अर्ली स्टेज ऑफ ऋग्वेदिक एज. यानी ऋग्वेदिक एज में जो है इन सब के बारे में बताया हुआ है. होपफुली आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. नहीं आता है तो फिर पूछ सकते हैं, इसको ध्यान से रीड कीजिएगा. ठीक है, ओके.